वोटिंग का प्रतिशत कम होने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक ने कहा कि वोटिंग से मतदाता का मोह भंग हो चुका है। मतदाता के मन में सवाल आने लगे हैं कि ये जो राजनेता है ये सिर्फ अपने भले के लिए सोचते हैं और इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं होता है। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के मतदान में भी कम वोटिंग होने को लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि मतदाता का मोह भंग हो चुका है वोटिंग करने से। मतदाता के मन में सवाल आने लगा है कि ये जो राजनेता हैं ये सिर्फ अपने भले के लिए सोचते हैं और इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं होता। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने और चुनाव आयोग ने जिस तरह से मेहनत की वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए वो काबिले तारीफ है, मगर वोट परसेंटेज इसके बावजूद नहीं बढ़ सका। एक राजनीतिक दलों से और राजनेताओं से उदासीनता, लोगों को ये लगने लगा है कि राजनीतिक दल और नेता अपने तक केंद्रित है ये और इनको जनता से कोई लेना देना नहीं। नायक ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी ने झूठे जुमले दिए, झूठे वादे किए और लोकतंत्र का जिस तरह से गला घोंटा जा रहा है वह जनता ने देखा है, इसी कारण से वोट प्रतिशत कम रहा है। उन्होंने कहा, अमित शाह ने कहा था कि जिस मंत्री के इलाके में कम वोटिंग हुई है उसे पद से हटा दिया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि अमित शाह अपनी बात पर कायम रहते हैं या नहीं। और हर बूथ में 370 प्लस वोटिंग डाली जाएगी, फिर भी बावजूद उसके बोर्ड कम वोटिंग हुई। देखो, बीजेपी की तो हर बात इतने बड़ा चढ़ाकर होती है कि उतना तो आल्हा गाने वाले भी उतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बताते। जैसे आल्हा जब गाते हैं और शादी का विवरण करते हैं बुंदेलखंड में, तो कहते हैं कि ऐसी शादी हुई कि 10 मन हींग लगी और 100 गज जेजम लगी। तब किसी शादी में 10 मन हींग लगती है कभी है? बताओ आप। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।